सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रतिनिधि अमृत शुक्ला पार्टी के चुनाव चिन्ह पर विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी के तहत 29 अक्टूबर को कांडी प्रखंड मुख्यालय स्थित पेट्रोल पंप के समीप 29 अक्टूबर को दलिदर भगाओ महारैला का आयोजन किया। श्री शुक्ला ने शनिवार को कांडी प्रखंड मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी देते हुए कहा कि वो पार्टी के टिकट के लिए 97% का दावा करते हैं। उन्हें पूरा उम्मीद है कि पार्टी उन्हें मौका देगी। विश्रामपुर मझियाओं विधानसभा क्षेत्र में पिछले 35 वर्षों से राजनीतिक पकड़ है। उन्होंने इस जड़ता एवं विधानसभा क्षेत्र में घुसे दलिदर राजनीतिक दरिद्रा को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। साथ ही 29 को आयोजित दलिदर भगाओ महारैला में उन्होंने क्षेत्र के सभी बुद्धिजीवी किसान मजदूर छात्र नौजवान सभी को आमंत्रित किया है, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सह पलामू प्रमंडल प्रभारी संजय लाल पासवान, जोनल कोऑर्डिनेटर भीम कुमार, सुधीर चंद्रवंशी, गढ़वा जिलाध्यक्ष अरविंद तूफानी, पलामू जिलाध्यक्ष सहित जिले के सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी को आमंत्रित किया है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए भावी प्रत्याशी के रूप में आपके क्षेत्र में घूम रहा हूं। आज मैं प्रखंड कार्यालय कांडी पर उपस्थित हूं। जैसा आप जानते हैं कि 35 वर्षों से लगातार यहां राजनीतिक जड़ता व्याप्त है। आम लोगों के विकास के लिए सिंचाई की कोई सुविधा नहीं हुई है। 3 एकड़ का भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं हुआ। बिजली की वही हालत है। कांडी और मझियाओं ग्रिड में बी मोड़ से आज तक लाइन नहीं जोड़ा गया। बिजली की समस्या हो गई। स्वास्थ्य उपकेंद्र सभी क्षेत्रों में खुले हुए हैं, ताला वहाँ बंद रहते हैं। स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है। मौलिक जितनी भी सुविधाएं हैं आम नागरिक को पहुंचना चाहिए, इस ओर किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान 35 वर्षों में नहीं रहा है। और मैं इस क्षेत्र का बेटा हूं, इस क्षेत्र का रहने वाला हूं। मैं इस चीज़ को देखकर बहुत दुखी हूं और आम जनता के बीच। क्या क्षेत्र की जनता आपको यहाँ अगर चुनती है तो क्या आप उनके ऊपर खरा उतर सकते हैं उन लोगों को? मैं इस संकल्प के साथ आया हूं। मेरा 30-35 वर्षों का राजनीतिक इतिहास रहा है। यहाँ संपूर्ण क्षेत्र की जनता जानती है। मैंने आज तक किसी को कितना भी मदद किया होगा, मैंने एक कप चाय किसी का नहीं पिया है। दूसरे लोग हैं, उनके मन में न जज्बा है, न जज्बात है और न कोई सोच है विकास का। खाका क्या हो सकता है, कैसे विकास किया जा सकता है, इस संबंध में भी संभवतः उनको जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होती विकास निश्चित होता।